अब दोस्तों बीते कुछ दिनों से मैं यहाँ पर महिंद्रा XUV 700 का लॉन्च हुई थी, उस कार ने काफ़ी सारी धूम मचाई थी। उसके बाद अब 2022 में महिंद्रा स्कॉर्पियो का 7 सीटर ऑटोमेटिक वेरिएंट लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें काफ़ी क्रैच बना हुआ है और महिंद्रा स्कॉर्पियो इसको अपग्रेड वेरिएंट में लॉन्च करने वाली है और काफ़ी लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसमें 7 सीटर के साथ में 5 सीटर का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसमें 7 सीटर ऑप्शन है। अगर इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी सारे इसमें आपको बदलाव देखने को मिलेंगे और जो ओल्ड स्कॉर्पियो है उससे नई स्कॉर्पियो जो आपको देखने को मिलेगी, इसका लुक आपको काफ़ी कुछ अलग इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 2022 में एक्सपेक्टेड है इसकी लॉन्च होने की, मतलब 2022 में ये लॉन्च हो। स्टॉप बटन आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद एयरबैग के साथ में आपको टॉप वेरिएंट में इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे टॉप मॉडल में, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर महिंद्रा स्कॉर्पियो पहली बार इतना अपडेशन ला रही है अपनी स्कॉर्पियो 2022 में वाली जनरेशन। अगर दोस्तों इसकी इंजन की हम बात करें तो इसमें आपको 2.2 लीटर का एम हॉन्क डीजल इंजन आपको देखने को इसमें मिलेगा और 2 लीटर का यहाँ पर आपको टर्बो पेट्रोल इंजन आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। 6 स्पीड मैनुअल गियर के साथ में आने वाली है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी ये आपको पेश किया जाएगा। अगर इसकी शुरुआत कीमत की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा इसकी शुरुआत कीमत होने वाली है, यहाँ पर कुछ न्यूज और लिख्स के माध्यम से पता चल रहा है। तो आप अगर तैयार है महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 को लेकर तो आप कमेंट करके बताइए और आपकी क्या राय है, पुरानी स्कॉर्पियो अच्छी है या फिर नई स्कॉर्पियो अच्छी है, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।